अब आप जानते ही हैं कि 16 अप्रैल को तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूर्णिया आए। अब इसके बढ़िया क्या बात है कि आपके पूर्णिया में आकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही आप लोगों को कह चुके, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। वैसे तो अंदर जगहों पर भी गए, यहां पर भी आए, ये बड़ी खुशी की बात है। तो आप सबको पता है और आप जानते हैं कि हम लोग तो काम कर रहे हैं आप पूरे देश के विकास के लिए, सभी जिलों के विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और बिहार का जो भी काम है शुरू से तो हम कर ही रहे हैं, आप सब लोगों को मालूम है। और पहले बिहार का क्या हाल आप बताइए ना, ये जो तो लड़की थी जिसको हम दिलवा दिए थे, आप बोलिए उसको एक बार हम मंत्री भी बनाए गए। आजकल बार बार कह रहे कि उनको मंत्री बनाइए, कम करके मंत्री हम नहीं बना पाएंगे, अभी कोई उपाय नहीं है, तो भाग करके चली गई, कहां चली गई आज। अब आप सोच लीजिए कौन काम हुआ, आगे जी को जो काम इनों को करने का मौका मिला और पति पत्नी को मौका मिला, 15 साल के करीब अपने उनको हटना पड़ा, तो उसके बाद अपनी पत्नी को बनाए, तो यही ना हाल होता था। हम लोग तो सुनने में बनवा दिए थे शुरू में, और बाप ने तो तीनों चार चार को आदम देखा कि गड़बड़ हम हट गए थे, अलग पार्टी में चले गए थे। अब 15 साल तो हम लोग, आप सब समझ रहे हैं कि हम लोग साथ रहे, 1995 से ही हम लोग साथ रहे, सभी अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उनके नेतृत्व में जब केंद्र में सरकार में थे काम किया, सब कुछ किया, और 5 क्षेत्र जो सरकार बनी तो वो तो उनके सहयोग से साथी जगह बना है सरकार जी, और कितनी बड़ी संख्या में सरकार बनी तब तो हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जो है अब आजकल आ करके इधर उधर जो करते रहते हैं, आप सोच लीजिए कि क्या हाल था 2005 में जब हम आए नवंबर में, और उसके पहले का क्या हाल था। शाम में कोई घर से बाहर निकलते थे, कोई हिम्मत नहीं किसी को घर से बाहर निकलने की। अब उसके बाद तो 18 साल का तो नया नया लड़का उसको नहीं पता होगा, तो वो भी लोग हैं पुराने, उनके बच्चों को बताइए कि पहले की हालत बहुत खराब थी, यहां कोई निकल नहीं सकता था। और हम भी जब एमपी थे और जब कहीं भी जाते थे, इवन अपने लकड़ा में घूमते थे, रास्ते में जाते थे, तो हमको तो पैदल ही जाना पड़ता था एक जगह से दूसरा जगह, कोई उपाय नहीं था, कहीं कोई रास्ता नहीं। और अब कितना सब जगह हमने रास्ता बनवाए तो आप सब जानते हैं। इसके अलावे कुछ नहीं था, स्वास्थ्य की कोई स्थिति थी, कहीं कोई इलाज होता था, हम लोगों ने सब कुछ का स्वास्थ्य का इलाज कराया, एक एक काम करना शुरू किया, पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं होती थी, कितने कम बच्चे पढ़ पाते थे उसका भी इलाज किया। और उसके बाद उन लोगों के राज में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, अब मुस्लिम का वोट लेने के चक्कर में रहता है, हम तो सबको हमेशा अलर्ट करेंगे कि क्या हाल था पहले, कितना बुरा हाल था। लेकिन जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने सब तरह का काम कर दिया, और उसके बाद अब कहीं कोई झगड़ा नहीं होता, हर तरह से सारा का सारा काम हम लोग जो करवा रहे हैं। आप बताइए पहले क्या हाल था, पूरा का पूरा झगड़ा होता था। और अब हम लोगों ने क्या किया, 2006 में ही कब्रिस्तान की घेराबंदी कराया, शुरू कराया हमने, और उस समय जो हो गया था 8,000 से थोड़ा ज्यादा, वो पूरा का पूरा काम हो गया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कुछ और बनवा देना चाहिए, उसके लिए भी बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं।
तो काहे नहीं होता था पहले बताइए, तो कब्रिस्तान का घेराबंदी कौन कर रहा? यही सरकार कर रही है ना जो हम लोग हैं। और जो काम शुरू हुआ था तो कौन था? आखिरकार हम ही लोग एक साथ थे जी, तो इसीलिए एक साथ मिल करके न हम लोग काम किए। अर्थात बीजेपी के चक्कर में इधर से उधर लोग बोलने लगते हैं, क्या गलत बात बोलते हैं भाई, ये सारा का सारा काम हुआ तो इसको याद रखिए, एक एक काम फरमाया गया। और आप जानते हैं कि कब्रिस्तान की जो घेराबंदी हुई है इसकी चर्चा हमने की है, उसको तो और करवा रहे हैं, हर तरह से करवा रहे हैं और एक एक तरह से लोगों के, और जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं थी अब उनके लिए हम लोगों ने क्या किया, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिसको छोड़ देता है तो उसके लिए परिपक्वता सहायता योजना 10,000 रूपये से शुरू किया और बढ़ा करके 25,000 रूपये कर दिया। तो कौन किया था? समाज के हर तबके के लिए और मुस्लिम समुदाय के लिए भी जरूरी है जानना कि आज कहां झगड़ा होता है जी। आप पहले कहा था कहीं बाएं दाएं इधर उधर चले जाइएगा और उन लोगों को मौका मिलेगा तो फिर कोई आपके उत्थान का एक तो काम नहीं करेगा। लोग अपना खाली कमाने के चक्कर में रहता तो दूसरा काम करता है, बीच में मौका दे दिए थे तो इधर उधर गड़बड़ किया तो हम फिर हटवा दिए, रोज बोलते रहता। अब कोई काम होता था, आज जितना जितना ज्यादा काम हम सब लोगों ने करवाया है बताइए, हर तरह से सब तरह से काम करवाया। और कौन कौन काम की हम नहीं देख रहे हैं आप सब जानते हैं, एक एक काम को हम लोग देखते हैं, शिक्षा का काम, स्वास्थ्य का काम, समूचा काम करना शुरू किया हम लोगों ने। अब आपको मालूम है कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों की ट्रेनिंग हो रही है। अब जो समझ रहे हैं कि 2005 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीना में मुश्किल से 29 लोग आते थे और जो हम लोगों ने काम शुरू किया अब क्या हालत है, अब हर महीने 11,000 से अधिक मरीज आते इलाज के लिए, तो उसका इलाज किया। और आप समझ लीजिए पढ़ाई का काम करवाया, हर तरह से काम किया, कितना काम करवाया पढ़ाई के लिए, एक एक चीज का काम, और किस तरह से महिलाओं को उत्थान के लिए काम किया पढ़ने के लिए, तो ये आप सब चीज को जानते हैं, हर तरह से हम लोगों ने काम किया। और आप जानते हैं कि हर तरह से क्या था, आप जानते हैं प्रदम क्या था दाभिक शिक्षा का, आप जानते हैं ना पहले क्या हाल था, 4.3 और उसको देख करके हमको तकलीफ हुआ कि ऐसा है। तो जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया, लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, ये तय था कि लड़कियां अगर पढ़ती हैं तभी प्रजनन दर में कमी आती है। एक सर्वे हुआ था पूरे देश में कि अगर लड़की लड़का मतलब पति पत्नी में पत्नी लड़की है मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर 2। आप बिहार में भी कराए, अगर लड़की मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर आया 2। और उसके बाद देश भर में था अगर इंटर पास है तो प्रजनन दर था 1.7 देश के विभिन्न राज्य, लेकिन बिहार में करवाए 1.7 से निकल 1.6 निकला। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि सब लड़कियों को पढ़ाने के लिए जितना हम काम किए, आजकल जानते हैं ना उसके लिए तो हम लोगों ने कितना बनता एक एक काम कर दिया, हर तरह से सब तरह की सुविधा हम लोगों ने दे दिया, साइकिल योजना का काम करा दिए। अब आप जानते हैं ना पहले कोई साइकिल चलाता था, हम लड़कियों को हम साइकिल योजना देना शुरू कर दिए तो कितना लड़की सब जगह जाने लगी और चारों तरफ जाकर के कितनी खुशी होने लगी। और जब यहां का प्रयत्न करके ये काम हम लोगों ने शुरू किया तो आप लोगों को याद करना चाहिए 9 की बात है, आप बताते कहानी हुआ बोलते हैं, जब विदेश से भी आया देखने के लिए
पूरा का पूरा आया देखने के लिए यहां पर जब हमने शुरू किया था और आकर के देख करके विदेश का लोग सोच रहा कि इतना ज्यादा दे रहे हैं और कहीं दूसरी जगह इस तरह से सब जगह पर नहीं था। साइकिल योजना, अब साइकिल योजना फिर लड़का निर्माण किया तो लड़का को भी दे दिया हम बस के बाद से, तो इसीलिए एक एक काम करके और लड़कियां पढ़ने लगी तो प्रश्न दर इसीलिए न घट गया। अभी डेढ़ साल पहले का रिपोर्ट, एक साल पहले का समझ गए जो हम बताया आपको 2009, लेकिन उससे भी नीचे आया। जब हम प्रश्न दर और करवा रहे हैं वो चूंकि तो काम होता है उसका तो उससे भी नीचे जाएगा। तो ये सब काम देख रहे हैं तो एक एक तरह से जो भी काम पहले कुछ लोग नहीं करते थे आज तो उनसे पूछिए ना कि काम कौन किया और कितने लोगों को कहां पर कितना काम हम करवा दिए। हर तरह से सब लोगों को दिया है हम लोगों ने। अभी लोग कभी रोजगार दिए थे किसी को तो हम लोग तो 5 से 20 के बीच में 8 लाख को रोजगार दिया और लाखों लोगों के संग 8 लाख लोगों को नौकरी दिया और लाखों लोगों को रोजगार दिया। और जब हम लोगों ने 2020 में तय किया कि हम लोग 10 लाख को रोजगार देंगे और 10 लाख को नौकरी देंगे तो आप जानते हैं कि इसको लेकर काम करना शुरू किया तब बीच में आया वो काम हो रहा था। आजकल बोलता है कि हम ही लोग यही क्या है फालतू बात है, आज तक किसी का हुआ तो हम ही लोग ना करवा रहे हैं जी। तो उस तरह से करने के बाद 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी हो गई है, 1 लाख का काम शुरू हो रहा है और आप समझ लीजिए अगले साल तक 10 लाख को पूरा करेंगे ही, हो सकता है उसका आगे भी हो जाए उतना करेंगे। आप प्रजन दर भी आप समझ लीजिए, ये सब प्रजन दर नहीं रोजगार के बारे में हम कह रहे हैं कि 5 लाख लोगों को रोजगार भी हो गया। तो एक एक तरफ से जो काम हो रहा है तो सब तरह से हम लोग इतना इतना काम कर रहे हैं, एक एक काम के लिए काम कर रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं कि अब महिलाओं के लिए तो हमने शुरू में किया था, जब पहली बार हम आए थे तब पहले कहां होता था। आप सबको मालूम है तो हम लोगों ने शुरू किया तो उसके बाद हमने क्या कर दिया कि भाई महिलाओं को 50% होगा और ये 6 में हमने शुरू कर दिया और बाद में हमने 2007 में जो नगर निकाय था उसको किया तो उसमें भी निकल गया उसी को 50% पर कितनी बड़ी संख्या में पड़ रही है। तो लड़कियों को पढ़ाने का काम और आप समझ लीजिए हर तरह से जितना भी काम हम लोगों ने किया है तो उन सब लोगों को कितना ज्यादा सब लोगों को लाभ मिल रहा तो इस सब तरह से एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि पुलिस में भी हमने महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान 13 में किया। अब आप जानते हैं कि महिला पुलिस में बिहार में 30,000 से ऊपर है और देश के किसी भी राज्य में 30,000 महिलाएं पुलिस में नहीं है। हमारे यहां तो और संख्या बढ़ेगी और उसका हम लोगों ने तय कर दिया कि हर चीज में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया जाएगा। 2016 में हमने तय किया तो उसके चलते कितना ज्यादा होने लगा। और उसके बाद जो हम लोगों ने महिलाओं के लिए काम किया स्वयं सहायता समूह के लिए बहुत कम थी और बाहर जब हम केंद्र में थे या एमपी थे हम घूमते थे तो देखते थे स्वयं सहायता समूह में महिलाएं थी यहां पर बहुत कम थी तो हमने स्वयं सहायता में बदली और नाम दे दिया हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह में जो महिलाएं थी उसका नाम हम लोगों ने दे दिया जीविका। अब जीविका दीदी हम उनको कहते हैं। जब उसी समय केंद्र वाले लोग थे उस समय का अभी दूसरे थे तो उन लोग को भी लगा कि यहां पर बिहार में इतना बढ़ा थी
और देख करके कहा कि भाई अच्छा काम किए। तो हमने जो कहा जीविका, तो उसने कहा कि आपने यहां जीविका किया है तो देश भर में स्वयं सहायता समूह में आज जीविका कहलाएंगे हम लोग देश का। सोच लीजिए, देश भर में आज जीविका, बिहार की जीविका देश भर में आज जीविका हो गई। तब भूलिएगा बात, भुला जाते हैं लोग, क्योंकि पहले का काम है, इसीलिए इन सब बातों की चर्चा कर देते हैं। नहीं तो आज कल तो हो सब पुरंता बतवा को लोग भूल रहा। भूलिए बात, असली चीज किसने किया? आप जो इतनी बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं, आज जीविका दीदी हमको जब भी जाते हैं कहीं तो देखते हैं ना, काम कर रही है, कोई दिक्कत हो तो उसका सुधार करती है, मीटिंग करते हैं हर बार, और कितना बढ़िया बोलती है। पहले तो बोल पाती थी, किसी को बोलने आता था, आप जरा बताइए, और कितना जाकर के कहे माइनोरिटी की हो, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित, ये सब के सब उनको इतनी बड़ी संख्या में वहां है, कितना विकास हुआ महिलाओं का, कितना बढ़िया बोलती है, तब कितना ज्यादा उत्थान। यहाँ पर हम महिलाओं को देखते हैं, अब पहले महिला को चलने का कुछ मिलता था जी, कोई ठीक से पहन पाती थी, अभी मत समझिए कि मंत्री पहन रही है, ऐसा नहीं है, सब के सब कितना बढ़िया पहनती, अब क्या हालत है इसको भूलिए मत। लेकिन तब हम लोग तो काम किए हैं, अब पहले काम नहीं हुआ है उसको भूलिएगा मत, नहीं तो एक बार अगर उसको भूलिएगा फिर इस तरह के लोगों को मौका मिलेगा तो खाली कमाते रहेगा और कोई काम नहीं होगा। इसलिए लोग चाहते हैं इस काम को करिए, और मुस्लिम लोगों के लिए भी कितना काम हम लोगों ने करवाया, सारा काम हम लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लिए कराया। हमने बता दिया था कब्रिस्तान की घेराबंदी वाला काम कराए, तो ये सब काम हम लोगों ने करवाया है, और मुस्लिम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और सरकार द्वारा मदरसा के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन और अन्य सुविधाएं दी गई। पहले कुछ और आप जान लीजिए, या वक्तपुर के जमीन पर कितना ज्यादा काम हो गया, बहुदेशीय भवन अनेक जगहों पर हो गया है काम, देश भर में सब तरह से काम हुआ है। तो हर तरह के पूरे तौर पर हर तरह से सारा काम हो रहा है, और अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय निर्माण शुरू किया गया, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, मधुबनी में आवासीय विद्यालय निर्माण कराया गया। तो मुस्लिम के लिए भी सारा काम, बाकी सब समुदाय के लिए सारा काम। तो हम तो यही अपील करने आए हैं कि सब लोग मिल करके एक मुक्त रहिए, इधर उधर होने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों को कोई बता देता है इन लोगों के बारे में, अरे भाई हम लोग को साथी थे तभी सब काम हुआ, किसी दूसरे के चलते काम नहीं हुआ, वो हर तरह से मदद करते हैं, इससे पूरे तौर पर काम करिए। और पूर्णिया के लिए तो कई तरह का काम हम करा, हर तरह से आईटीआई, महिला आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, पूर्णिया सदर अस्पताल परिसर में भी पूर्णिया मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। हर तरह से सब काम एक एक तरह से कर रहे हैं। पूर्णिया में जीएनएम संस्थान और पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। तो कौन कौन सा, आप सब जानते हैं कि बनबंकी और जानकी नगर में भी दो अनुसूचित जाति आवासीय काम यहां कराया गया, और पूर्णिया पूर्वी प्रखंड में 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया, और पूर्णिया सदर में वक्त की जमीन पर 720 आसन वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण की स्वीकृति दी गई। तो एक एक तरह का काम, और देखिए तो हम बराबर घूमते रहे हैं और घूमते रहते हैं, इस बार तो बात दूसरा है कि पिछले बार हम पूरा घूमते रहे, और इस चुनौवा के बाद तो हम फिर कोशिश कर देखे गई ना कि कहां पर कोई कमी रह गई है, कोई कमी रहेगी उसको पूरा करेंगे, ये मेरा काम है। इसलिए हम लोग तो आए हैं कि हर तरह से
और सब जगह पथ का निर्माण, पुल का निर्माण, सब तरह का काम हम लोगों ने करवाया है। तो इसीलिए आप सब लोगों से हम यही आग्रह करेंगे कि हर तरह से हम लोग काम कर रहे हैं और इस इलाके के भी विकास का काम हर तरह से हुआ है। स्वास्थ्य केंद्र में तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण, आवासीय विद्यालय छात्रावास का निर्माण, पथों और पुलों का निर्माण, एक एक तरह से काम हर जगह क्षेत्र में हर जगह किया जा रहा है, यहां भी किया जा रहा। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इतना काम हुआ, अगर कोई भी चीज की और जरूरत होगी हम लोग सबका कदर लेते रहते हैं, वो काम होगा तो आप जिताइएगा इनको। एक एक तरह से सब अब मंत्री है, दूसरे हाथी के यहाँ के है जी जिले के, ये लोग सब देख करके कहेंगे ना कि यहाँ पर कोई चीज है, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम तो आ ही न जाएंगे, हम तो बराबरे ना आते हैं, आप तो देखते नहीं करते हैं। एक एक जगह घूम घूम करके हम एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। कभी कोई मान लीजिए कि बाढ़ के समय कुछ किया जाता है, नुकसान आ जाता है, तो उसी समय आकर के किस इलाके में कौन सा काम करना है वो सब काम करते हैं। तो सब तरह से काम किया है, हर जगह का काम किया है और पूरे तौर पर ही काम करते रहेंगे। तो हमारा तो कोई और उद्देश्य नहीं है, तो इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि हर क्षेत्र में काम हो रहा है, आगे और तेजी से काम होगा। तो इसीलिए हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि आप वोट दीजिए और यहाँ पर संतोष कुमार कुशवाहा को भी जिताइएगा। आइए सब लोग बिहार में सभी लोग जीतेंगे तो श्रद्धे नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, दो बार रहे तीसरा बार बनेंगे। तो हमारा तो शुरू से है कि 40 बिहार में और देश भर में 400 से ज्यादा जीतेंगे, तो उतना जीतने के बाद बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश बहुत आगे बढ़ेगा और बिहार में जहां कहीं की कमी है वो भी पूरा होगा। तो इसीलिए फिर आप सब लोग आगे बढ़िएगा और आप लोगों के लिए तो अभी मंत्री जी ने बता ही दिया है, हम कितना बार आगे देखते रहे उसको, एयरपोर्ट बनने के लिए हम कितना बार आगे देखते रहे, हम तो शुरू से कहे यही रहना चाहिए, उसके बगल में जगह कहीं रुका हुआ था कुछ इधर उधर, तो हमने करा दिया। आप जितना जमीन का उतना हम अलग जमीन कर दिए हैं और हम तो बराबर आप समझिए हम इतना दिन से देख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए तो यहाँ पर लोगों को कितनी सुविधा होगी। यहाँ से कहीं भी लोग जाना चाहेगा तो उसको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, अभी तो लोगों को जाना पड़ता है बाहर नहीं है, तो इसीलिए जाना पड़ता है। दरभंगा तो अभी जाता है और नहीं तो इधर में जाता है, तो इसीलिए हमने कहा कि दरभंगा का तो करा ही दिए अब और पूर्णिया का हो जाएगा तो कितना बड़ा विकास होगा। तो ये सब काम हम लोग करने वाले हैं, सब काम करेंगे। इसलिए हम तो यही आग्रह करेंगे कि भाई संतोष कुशवाहा जी को जिताइए और संतोष कुशवाहा जी को जिताइएगा तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप बताइए संतोष कुशवाहा संतोष कुमार कुशवाहा जी को जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा, हाथ उठाकर जिताइएगा उधर वाला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो जवाब दे दिए तो हम देखिए उनको हम बधाई देते हैं, आप ही के चलते हमने इनको बधाई दे दिया कि खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें और देश भी आगे बढ़ेगा, बिहार भी आगे बढ़ेगा। आप लोगों ने आश्वस्त किया है इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं आश्वस्त करता हूं कि आप जब हम लोगों की बात मान रहे हैं तो आपको और बढ़ाने का जो भी काम करना होगा उसको हम लगातार करते रहेंगे, यही हम आप सबको कहना चाहते हैं। तो उन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं और फिर ये विजयी हो और देश बहुत आगे बढ़े, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। तो मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, संतोष कुशवाहा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद।
बढ़िया।